नमस्ते, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी सेहत, आपकी जिम्मेदारियाँ आप अच्छे से निभा रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि लोग, जैसे हमने लास्ट वीडियो डिस्कस किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कोई आपसे जलन क्यों करता है या कोई इंसान आपसे जलन का भाव क्यों रखता है, उस पर हमने काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया था। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जलन, कंपटीशन, पॉलिटिक्स जैसी चीज़ों को बहुत फेस करते हैं तो उसको कैसे डील करें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, जलन कहाँ आप फेस करते हैं। देखिए, जलन जैसे होता है, जलन या कंपटीशन या पॉलिटिक्स, ऐसे सिचुएशंस अक्सर हम अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, या फिर हम अपने फैमिलीज़ में या रिश्तेदारी जिसे हम बोलते हैं उसमें अक्सर हमें देखने को मिलता है। कई बार आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, औरों से बेटर करते हैं, अपना काम आपको टाइमली करने की आदत है, बेस्टली करने की आदत है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि प्रोफेशनल सर्कमस्टेंसेस में जो दूसरे लोग होते हैं जिनको या तो काम कम करने की आदत होगी, काम चोरी करने की आदत होगी, या मतलब वो लोग उस काम को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते होंगे, तो अक्सर क्या होता है, वो लोग जो है आपसे जलन का शिकार हो सकते हैं, आपसे आप उनकी जलन का शिकार हो सकते हैं, आप उनसे, वो आपसे जलन का भाव रख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है, आप एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं, तो कई बार, या आप बहुत वेल्दी हैं, वेल टू डू हैं इन योर करियर एंड लाइफ, सब अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोग आपसे जलन का भाव रखें। ये बहुत एक सामान्य सा भाव है, अक्सर देखा जाता है। अब आप ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, आप इसको कैसे डील कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार ये जो एलिमेंट होते हैं जो आपसे जलन रखते हैं, कई बार ये सिर्फ इमोशनल लेवल पर नहीं होता, कई बार ये बिहेवियरल लेवल पर आ जाता है, यानी कि वो लोग एक्शन में इसको ले आते हैं, जिस वजह से आपको कई तरह के नुकसान पहुंचाए जाते हैं। जैसे प्रोफेशनल सर्कमस्टेंसेस में आपको, मतलब क्या होता है कि बदनाम या आपकी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश की जाती है, आपका वर्क ख़राब करने की कोशिश की जाती है, बॉस से चुगली करना, आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करना, या फिर ऐसा हो सकता है कि फैमिलीज़ में कई बार देखा जाता है बैक बाइटिंग, चुगली, एक नेगेटिव एनर्जी मतलब कहीं ना कहीं आपकी तरफ आती है। इसे डील कैसे करें, तो इसके डील करने के कुछ हम स्टेप या पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि बी केयरफुल, हमेशा आपको केयरफुल रहना है लोगों से, ऐसे लोगों से नहीं। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो अपनी जलन, अपने उस मतलब कॉम्पिटिटिव नेचर, पॉलिटिक्स को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, तो ये लोग थोड़े कम खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये लोग जो भी कर रहे हैं आपके सामने कर रहे हैं, तो आप उनसे वैसे भी बहुत केयरफुल रहते हैं। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, जो ऐसा भाव भी रखते हैं, आपके साथ चीज़ें भी करते हैं, लेकिन आपके साथ आपके दोस्त या आपके मित्र और रिश्तेदार बने रह करके भी आपके भले भी बने रहते हैं और आपके लिए बुरा भी करते हैं, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। मतलब ये दो तरीके होते हैं, जो छुप कर वार करते हैं, दूसरे होते हैं जो आपके सामने से वार करते हैं। तो सेकंड कैटेगरी बहुत ज़्यादा डेंजर होती है, क्योंकि इन लोगों को अक्सर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए अपने आसपास के लोगों से। अगर वो हमें पता है कि वो लोग कौन हैं तो फिर तो है ही, लेकिन जो लोग हमें नहीं पता कि हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं, या उनके अंदर एक जलन का भाव है, या वो इस तरह की पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी करते हैं, तो उनसे बचना है, तो वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो हमें उन लोगों पर भी, अपने जो हमारे बहुत अच्छे और क्लोज हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं समय समय पर नज़र रखनी चाहिए कि वो हमारे लिए किस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर जो बोलूँगी कि ओवर एक्सप्रेसिव नहीं बनना। अक्सर क्या होते हैं, जो लोग आपसे उतना ही ज़्यादा जलन करेंगे जितना आप अपनी चीज़ों को के लिए एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। सपोज़ दैट रिलेशनशिप है लग्जरी, आपने नई गाड़ी खरीदी है, आपका हस्बैंड बहुत लविंग डविंग है, ठीक है, आप ऑफिस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फिर उसको बहुत एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब जब हम बहुत ओवर एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, हम एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, मैं ये भी बोलूँगी, तो क्या होता है कि ये एलिमेंट्स ज़्यादा हावी हो जाते हैं,
फिर इनकी जो जैसे आपका एक्सप्रेस करने का स्तर बढ़ता है, इनकी जलन का स्तर बढ़ जाता है, इनकी नफ़रत का स्तर बढ़ जाता है। फिर ये जो आपके खिलाफ़ एक नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा लो एक्सप्रेसिव होना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ओबियसली जो भी आप अचीवमेंट्स कर रहे हैं, जो भी आपके पास हैप्पीनेस है, जो भी आप मतलब जिस भी चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हैं, वो तो अच्छी वो आप ही के पास रहेगी। लेकिन हाँ, अगर आप ओवर एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस करने लगते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये लोग जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले तो ये लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा आप पर नज़र रखते हैं, राइट। दूसरी चीज़ें, इनको आपकी जीवन में हर चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए होती है, तो वैसे भी ये लोग आप पे काफ़ी नज़र रखते हैं और आप पर ओवर एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, तो इनका काम आसान हो जाता है और आपके तरफ वो नेगेटिव एनर्जी और ज़्यादा आती है। तो थोड़ा लो एक्सप्रेसिव होना अच्छा रहेगा। हमेशा माइंडफुल रहें कि आपको कब कहाँ क्या एक्सप्रेस करना है, किस चीज़ को एक्सप्रेस करना है और किन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। सपोज़ दैट कि आपने क्या कहते हैं, कोई न्यू कार खरीदी है या आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट अचीव किया, अब किन लोगों के साथ आपको ये बात शेयर करनी है, इसके लिए आपको माइंडफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार नज़र जो ये जो लोग होते हैं, ये सिर्फ बिहेवियर लेवल पर नहीं, अक्सर होता है कि चीज़ों को नज़र लग जाती है, लोग बोलते हैं या टोक लग जाती है, ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं, मतलब या होती भी हैं कि आपने कोई चीज़ लाए और आपने सबके सामने एक्सप्रेस किया और सडनली वो चीज़ ख़राब हो गई, ऐसा होता है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी का ही कारण होता है। तो मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा लो एक्सप्रेसिव होना अच्छा रहेगा। तीसरी चीज़ यहाँ पर है कि ऐसे लोगों से, थर्ड हम पॉइंट पे बात कर रहे हैं, एक आदर्श दूरी बनाए रखें, मतलब एक आइडियल बाउंड्रीज रहनी चाहिए आपकी। इन लोगों से कितना रिलेशनशिप रखना है, नहीं रखना है, या कितना इनको एंटरटेन करना है, कितना नहीं करना है, इसके लिए हमेशा माइंडफुल रहना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप इनके लिए जो है इनके प्रति बहुत ज़्यादा डीप रिलेशंस रखें। कोशिश ये करें ऐसे लोगों से कम जो है अपने रिलेशंस को कम रखें। कम रहने का मतलब मैं ये नहीं कह रही आप भी उनकी तरह जलन या नफरत का भाव रखें या आप उनसे चिढ़ जाएं या आप उनके प्रति नेगेटिव, ना, ये सब बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना है, आदर्श दूरी यानी एक आइडियल बाउंड्री सेट करनी है, ठीक है। ना तो आप उनसे बहुत खुश हैं, उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, ना बुरा सोचते हैं, ठीक है। तो एक शून्य की अवस्था को रखना है और क्या नाम है, माइंडफुल रहना है अपनी बाउंड्रीज के प्रति कि वो आपको कितना एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ज़रूरी है कि बाउंड्रीज़ को मेंटेन करें, अपनी जो वल्नरेबल साइड होती है उसके प्रति केयरफुल रहें। आप किस स्पेस को इनके साथ शेयर कर रहे हैं और कितना शेयर कर रहे हैं, ये जाने रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक नेगेटिव सिचुएशन में या परिस्थिति में आएंगे, तो यही वो लोग होंगे जो आपके सबसे ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम एक बुरे सिचुएशन में आ जाते हैं कई बार लाइफ में, तो कुछ हमारे ना ऐसे एनिमीज़ बाहर निकल कर आते हैं जो आपके एक अच्छे समय में शायद आपको नहीं पता था वो आपके एनिमी भी हो सकते हैं। तो हमेशा अपनी वल्नरेबल साइड को लोगों के सामने एक्सप्रेस करना, लोगों को बताना या लोगों को उसका एक्सेस देना अच्छा नहीं होता। तो बी केयरफुल कि आपकी जो वल्नरेबल साइड है वो कौन एक्सेस कर रहा है, कितना एक्सेस कर रहा है। लोगों के साथ अपनी उस साइड को शेयर करने पर भी माइंडफुल रहें, मतलब आपका कौन सा एक इमोशनल साइड है, कौन सा आपका एक लॉजिकल साइड है, अपनी जो भी एक पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी ट्रेड होते हैं, उसको शेयर करने से भी करने में भी आपको माइंडफुल रहना चाहिए। अब हम आगे दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है। मैं नेक्स्ट वीडियो में और बताऊंगी कि कैसे हमें इन लोगों के साथ डील करना है। ओके, थैंक यू, नमस्ते।